तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेत मेहता अगेन। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विच मास्क इज बेटर ड्यूरिंग कोविड-19। कौन सा जो मास्क है वो हमें प्रोटेक्ट करता है कोविड-19 से, कौन सा मास्क ज्यादा इफेक्टिव रहता है कोविड-19 के अगेंस्ट। अब ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक बहुत सारे मास्क मार्केट में आ गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मास्क ज्यादा इफेक्टिव है कोविड-19 के अगेंस्ट में। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फेस शील्ड मास्क। फेस शील्ड मास्क के बारे में आपने सुना ही होगा। देखो ये वाला जो है वो है फेस शील्ड मास्क। जब भी आपने एयरलाइंस में ट्रेवल किया होगा ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक, तब आपको ये फेस शील्ड मास्क दिया जाता है। ये फेस शील्ड मास्क बेस्ट मास्क एक्ट करता है, ऐसा रिसर्च ने साबित किया है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। ये जो कंसीडर कर लो, ये है कोरोना वायरस के जर्म्स। तो ये है ना, आगे ये मास्क आगे से तो कोरोना वायरस के जर्म्स को एंटर आने से प्रिवेंट करता है, लेकिन ये जो गैप दिख रहा है, लेकिन जर्म्स नीचे से जा सकते हैं, वहां से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो हम 100% श्योर तो नहीं हो सकते कि ये फेस शील्ड मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से। इसके अंदर ये जो गैप है ना, गैप, वहां से जर्म्स कोरोना वायरस के जा सकते हैं, तो ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है। वैसे तो हम किसी मास्क पे भी 100% श्योर तो नहीं हो सकते कि ये हमें प्रोटेक्ट करे ही करे, ठीक है। लेकिन इस मास्क में एक साइड इफेक्ट भी है जो मैंने बताया, ये नीचे से ये जो जर्म्स चले जा सकते हैं, ठीक है। तो फेस शील्ड मास्क हम 100% श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट मास्क के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मास्क है N95 मास्क। N95 मास्क आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो N95 मास्क पहनते हैं, ठीक है। N95 मास्क मतलब देखो यहाँ पे फिल्टर वाला हुआ ना, वेलवेट बेस को कहते हैं फिल्टर, ठीक है। और ये जो N95 मास्क है वो भी हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक साइड इफेक्ट है यार। साइड इफेक्ट वो है कि देखो, जब भी हमने ये मास्क पहना होगा ना, तो हमें ब्रीथिंग सांस लेने में, ब्रीथ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए N95 मास्क हमें कोरोना वायरस से तो प्रिवेंट करता है, लेकिन हमने जब ये मास्क पहना होता है, तब ब्रीथ लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो N95 मास्क भी हम ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते, ठीक है। बचा क्या? बचा हमारा सिंपल क्लोथ मास्क जो होता है ना, कॉटन का क्लोथ मास्क, ठीक है। क्लोथ मास्क रिसर्च ने साबित किया है कि थ्री लेयर कॉटन मास्क इज द बेस्ट मास्क। ये बेस्ट मास्क है कोरोना वायरस के प्रिवेंट में, ठीक है। आप टू लेयर वाला भी ले सकते हो, ये टू लेयर वाला है और ये थ्री लेयर वाला कॉटन मास्क है। ये आपको 99.9% प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस से। 99.9% आपको कोरोना वायरस से ये प्रिवेंट करेगा। ये है थ्री लेयर मास्क, 1, 2, 3 और ये टू लेयर मास्क, ठीक है। ये थ्री लेयर मास्क में क्या होता है, अगर कोई भी कोरोना वायरस का जर्म आया, तो फर्स्ट लेयर उसको प्रिवेंट करेगी अंदर जाने से, ठीक है। और ये जो दो लेयर है, अगर चलो यहाँ से भी कोरोना वायरस चला गया, तो सेकंड वाली लेयर उसको रोक लेगी, और थर्ड वाली लेयर क्या करती है, हमें कंफर्ट देती है ब्रीथ लेने में, ठीक है। ये टू लेयर वाला मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो कॉटन क्लोथ मास्क होता है, कॉटन मास्क जिसे हम बोलते हैं, वो एक चीप रेट पे हमें, चीप प्राइस पे भी हमें मिल जाता है। 10 to 20 rupees, 30 rupees, 50 rupees में भी हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है क्लोथ मास्क। रिसर्च ने साबित किया है कि क्लोथ मास्क इज द बेस्ट मास्क, इट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो ये तो बात हुई मास्क की, तो कंक्लूजन ये है कि हमें क्लोथ मास्क पहनना चाहिए जब तक पॉसिबल हो, ठीक है। फिर
हम बात करें कि चलिए ये जो ये कॉटन मास्क है, कॉटन मास्क हम बार बार रियूज कर सकते हैं। अगर हमें बार बार रियूज करना है तो हम इसको रियूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग मास्क को क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से कि मास्क को वॉश मत कीजिए, क्योंकि वॉश करने से मास्क की जो एफिशिएंसी होती होती है कोरोना वायरस से प्रिवेंट करने में, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको वॉश मत करें, ठीक है। वॉश करने की बजाय आप इसे पानी में भिगो दें, और पानी में भिगोने के बाद तो धूप में सुखा दें, क्योंकि जब सनराइज कोरोना वायरस के ऊपर आएगी तब उनके जो जर्म्स है वो अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। या तो फिर आप 48 आवर्स, 2 दिन तक उस मास्क को ना छुए, अगर आपके पास 2-3 मास्क है तो। वरना आप क्या करें, धूप में इन मास्क को सुखा दें, ताकि जो सनरेज आएगी वो कोरोना वायरस को मास्क के अंदर में ही मार देगी, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए, हमें मास्क को कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए, इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड आप इस फैमिली से न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड फॉर मोर अपडेट्स आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।